आज बात करते हैं प्यार में लापरवाही के कारण होने वाली बीमारी के बारे में, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। सेक्स के कारण होने वाली यूटीआई को हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं, लेकिन इससे आसानी से बचा भी जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जब बात आती है सेक्स की तो सिर्फ प्यार ही मन में आता है ना। दरअसल सेक्स के वक्त लापरवाही हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। हम अनचाही प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे, ना ही हम किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम असल में बात कर रहे हैं यूटीआई की। सेक्स के कारण होने वाले इस इन्फेक्शन को हनीमून सिस्टाइटिस का नाम दिया गया है। यूटीआई सबसे कॉमन इन्फेक्शन में से एक है। बैक्टीरिया से होने वाला ये इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में होता है, लेकिन बहुत केसेस में ये किडनी तक भी पहुँच जाता है। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल की डॉक्टर सुनीता, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि ज्यादातर ये इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर में ही होता है और इससे ही हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। थोड़ा इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे बार बार यूरिन आना, प्राइवेट पार्ट में खुजली होना, लोअर एब्डोमिन में दर्द होना, मरोड़ पड़ना, यूरिन पास करते हुए जलन होना या बुखार आना। सीवियर केसेस में यूरिन पास करते हुए खून आना भी देखा गया है। आइए थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि असल में यूटीआई होता कब है। यूटीआई होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे साफ सफाई ना रखना, गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करना, किडनी में स्टोन होना, डायबिटीज या खराब इम्यून सिस्टम का होना भी आपको यूटीआई दे सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है, सेक्स करते वक्त आपको खास ख्याल रखना चाहिए। लेडीज, सेक्स सिर्फ आपके लिए सिर्फ आनंद तक सीमित नहीं है, ये आपकी चिंता का कारण भी बन सकता है। काफी रिसर्चेस में देखा गया है कि महिलाओं को सेक्स के दौरान यूटीआई होने की ज्यादा संभावना होती है। इसका कारण है महिलाओं का यूरेट्रा। महिलाओं का यूरेट्रा पुरुषों के मुकाबले छोटा होता है, जिसके कारण इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट का भी कहना है कि सेक्स के दौरान ये बैक्टीरिया ट्रैक में ऊपर की तरफ चला जाता है और ब्लैडर तक पहुँच जाता है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन का खतरा और फैलने लगता है। इतना ही नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि अगर आप पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं, तो यूटीआई भी आपको आसानी से हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको यूटीआई होने के ज्यादा चांसेस हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके पार्टनर को भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको यूटीआई हो सकता है। आपके पार्टनर की सफाई ना रखने की आदत से भी आपको काफी खतरा है। और तो और मल्टीपल पार्टनर होना तो आपके हेल्थ के लिए भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं कि हनीमून सिस्टाइटिस से बचा कैसे जा सकता है। एक ही पार्टनर होना आपको यूटीआई के साथ साथ सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाता है। आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें, वजाइनल एरिया को साफ रखें और किसी भी तरह की क्रीम लोशन बिल्कुल ना लगाएं। सेक्स से पहले और सेक्स के बाद प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ करें। गुनगुने पानी की आप मदद ले सकते हैं। आप टाइट अंडरगार्मेंट्स बिल्कुल ना पहने, थोड़े एयरी और फ्लोई अंडरगार्मेंट्स पहने। ढेर सारा पानी पीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हेल्थ लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।